हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बनारस में हूं और बनारस का मैं आपको शिवपुर में प्रेम मंदिर जो सजाया गया है, प्रेम मंदिर का पंडाल, तो वो मैं आपको जाके दिखाता हूं। वाकई बहुत खूबसूरत पंडाल लगा हुआ है, क्योंकि तो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी रात के 9:30 बजे हैं, तो आप जितना लेट नाइट जाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ बहुत रश हो रहा है इस समय। तो नाइट में जाइए, सुकून से दर्शन होंगे आपके और आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा वहाँ का पंडाल सजा हुआ है। तो मिनी स्टेडियम विकास समिति का जो स्टेडियम है उसके अंदर लगाया गया है प्रेम मंदिर का पंडाल, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और अभी चलते हैं अंदर और अंदर जाके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो आप सामने देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, और बहुत सारे यहाँ पे झूले आए हुए हैं जो हम आपको एक एक करके सारे दिखाएंगे यहाँ पे। तो अभी चलते हैं प्रेम मंदिर में और देखते हैं कि अंदर का नज़ारा कैसा है। तो ये यहाँ बाहर से देख सकते हैं, बाहर से प्रेम मंदिर का हूबहू यहाँ पे कॉपी किया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग यहाँ पे ड्रोन से भी शूट कर रहे हैं, और भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मेला यहाँ पे सजाया गया है, हर यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं आई हुई हैं यहाँ पे। तो अभी हम बाहर से आपको दिखाते हैं कि प्रेम मंदिर कैसा लग रहा है, उसके बाद हम अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, माता जी की मूर्ति आपको कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और अब मैं आपको यहाँ का पूरा मार्केट दिखाता हूँ कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शूटिंग के लिए बैलून्स लगे हुए हैं, और ये पूरा मार्केट यहाँ पे लगा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, बच्चों के खिलौने और बहुत सारे आइटम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को, जो कि आप यहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आइटम है, लेडीज़ के आपको आइटम्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे जूतियाँ मिल जाएंगी। यानी कि पूरा यहाँ पे मेला लगा हुआ है, कि घर का सामान और सजावट का छोटा मोटा सामान जैसे आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी इतना खास सामान नहीं है कि आप बहुत अच्छी शॉपिंग यहाँ पर हो सके, बस ये है कि आप घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ आने के बाद ये महसूस नहीं होगा कि आप यहाँ पर आके आपने अपना समय ख़राब किया, आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छी जगह यहाँ पर आए। तो आप मेला एंजॉय कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे झूले आए हुए हैं जो कि मैंने तो कभी नहीं झूले। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने झूला भी हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अजीबोगरीब झूले हैं जो कि मैं सिर्फ वीडियोज़ में देखता था। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर इन झूलों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बनारस का प्रेम मंदिर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह, तब तक के लिए बाय बाय।